नमस्कार, आज की प्रमुख खबरें में आपका स्वागत। मैं जसविंदर कौर, TAT4 न्यूज़ चैनल। आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 दिनांक 9/8/2019 को पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा, मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये, गंभीर चोट की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये। गुड समैरिटन ने वह व्यक्ति जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल व नॉन मेडिकल मदद देता है, अगर सहायता प्रदान करने में दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गुड समैरिटन किसी भी दीवानी व आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अपराध व जुर्माने का प्रावधान। अपराध: सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये जुर्माना। दो पहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा सवारी 1,000 रुपये जुर्माना। हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 व 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित। एमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये जुर्माना। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये जुर्माना। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये जुर्माना। ओवर स्पीड करने पर 2,000 रुपये जुर्माना। खतरनाक ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये जुर्माना। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर 5,000 रुपये जुर्माना। बिना परमिट पाए जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना। गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर 2,000 और उसके बाद प्रति टन 2,000। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2,000। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 2,000।